बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज वीडियो जो है ना वो सिर्फ एक ब्लॉग है, क्योंकि दाल चावल मैं बना रही हूँ और दाल चावल की रेसिपी जो है ना वो मैं आपको दे चुकी हूँ कई दफ़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो आज इसलिए मैं इसकी प्रॉपर एक वीडियो नहीं बना रही दाल चावल की, बस जस्ट ऐसे ही ब्लॉग के तौर पर एक वीडियो है ये। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं इतने प्यार से, और नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो फिर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को देख के लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दाल जो है ना मैंने मूंग मसूर की आधी आधी लेकर ना एक एक कप लिया है मैंने, और मैंने इसको साफ़ कर लिया अच्छे से, और मैं इसको धो लूँगी अब। तो मिलती हूँ फिर इसको धोने के बाद। अच्छा जी, दाल को धोने के बाद ना मैंने इसमें नमक, मिर्च और दीगर मसाले जो हैं जो मैं डालती हूँ, थोड़ी सी कलौंजी और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर डालकर मैंने पानी डालकर हल्दी जरूरत दाल को चढ़ा दिया है। और दाल जो है ना ये उस सालन में है जो कल मैंने शिनवारी बनाई थी, तो उसका जो थोड़ी सी ग्रेवी बची हुई थी ये मैंने उसी में चढ़ाई है, इससे टेस्ट उसका अच्छा हो जाएगा। और चलिए मैं आप बाकी चीज़ें आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आतिफ और अबू बकर जो है ना वो काफ़ी शोर शराबा कर रहे हैं। आतिफ जो है ना वो देखिए अपनी असाइनमेंट्स कर रहे थे इधर बैठ कर तैयार, जो कि अभी कम्प्लीट नहीं हुई हैं, कल जमा करवानी है। और आतिफ लगे हुए हैं बड़ी मेहनत के साथ, बहुत मेहनत कर रहे हैं आतिफ और अबू बकर। आप कहाँ जा रहे हो बेटा? और पीछे गुड्डी भी आपको नज़र आ रही है आतिफ की, ये देखा ना, ये देखा ना आतिफ की, अबू बकर की गुड्डी भी है पतंग उड़ाने वाली। अच्छा, इसको कहते हैं क्या कहते हैं? गुड्डा। अच्छा, अगर आपको समझ आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा जी, मुझे समझ नहीं आई है। ठीक है, क्या कह रहे हो अबू बकर? सारे के सारे गुड्डे कट जाएंगे? तो अभी तैयार हो रहे हैं, जब खाना तैयार होगा तो बच्चे जो हैं वो आ जाएंगे, सामने खेलने जा रहे हैं बच्चे। अच्छा, गुड्डी उड़ाने जा रहे हैं। अच्छा जी, 6 से 7 मिनट में दाल जो है ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि ये गोश्त का सालन था बचा हुआ, थोड़ा सा मैंने उसी में दाल डाली है, जो कि बहुत ही टेस्टी हो जाएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर आप गोश्त के किसी भी बचे हुए सालन में दाल डाल के पकाएं। मैंने पहले भी एक वीडियो ऐसी दी है आपको, और क्योंकि हमने चावलों पर ये दाल डालनी है, ये देखिए बोटियाँ भी हैं इसमें मौजूद, तो क्योंकि हमने चावलों पर दाल डालनी है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पतली रखी है। तो अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने घी लिया हुआ है, और घी में मैंने लहसुन को डाल दिया है छोटा छोटा काट के, लहसुन गोल्डन होगा तो हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। इसके ऊपर ना मैंने गरम मसाला छिड़क दिया है, इससे इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। देखिए तड़के में मैंने हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल रही हूँ इसमें कड़कड़ा के, लहसुन हमारा बहुत अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो गया है देखें, और हरी मिर्ची भी जो है ना वो तड़क गई हैं। ठीक है, हम तड़का लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, थोड़ा सा ढक दें ताकि घी उड़े नहीं, और यहाँ पर जो है ना इसको मिक्स कर देते हैं अच्छा सा। हरा धनिया जो है ना वो मैं सर्व करते हुए डालूँगी। अब जो है मैं चावल बॉइल कर लेती हूँ। नीचे से फेरी वालों की आवाज़ भी आ रही है, जो कि आपको सुनाई दे रही होगी, तो मैं इसको ढक देती हूँ। तो बताइए आपको जो है ना मैंने चावल लेने के लिए भेज रही हूँ मैं, क्योंकि चावल जो है ना घर में मौजूद नहीं है, और आतिफ ने ना गुड्डा पकड़ा है बहुत बड़ा सा छत से, और असाइनमेंट करते हुए उठे हैं और गुड्डा पकड़ लिया। तो चलो आतिफ, अब आप ये गुड्डा रख दो और असाइनमेंट करो। ठीक है, आतिफ चावल ले आओ आप जल्दी से। तो आतिफ रखना जा रहे हैं गुड्डा, और अतैब लेने जा रहे हैं चावल, तो फिर हम
चलते हैं तैयारी की तरफ। तो अभी तो सफाई भी करनी है। देखें आप, अबू बकर ने घर कितना बिखराया हुआ है। अच्छा जी, ये तैयार चावल लिए हैं, चावलों को मैंने अभी साफ़ करना है। यहाँ पर मैंने टाइम की बचत के लिए ना पहले ही 4 कप पानी डालकर चढ़ा दिया था चूल्हे पे। उसमें नमक मैंने डाल दिया है हसबे ज़रूरत, और 1 चम्मच मैंने घी डाला है, और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सिरका मैंने डाल दिया है इसमें, ताकि चावल जो है हमारे प्यारे से बॉयल हों। तो यहाँ पर टाइम की बचत के लिए ही मैंने सलाद भी तैयार करके रख दिया। देखा आपने मेरी फुर्तियाँ, देखी आपने मेरी। तो अब मैं चावलों को अच्छे से साफ़ करके धोने के बाद जो है बॉईल करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है ना वो बॉईल हो रहे हैं, बस दम के करीब हैं चावल। तो मैं इसको दम लगाऊंगी और फिर नीचे से टंकी से पानी भर के लेके आऊँगी, उसके बाद जो है सफ़ाई करूँगी। अब मैं चावलों को दम लगाती हूँ। चावलों को मैंने 10 मिनट का दम लगा दिया है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह दाल चावल तैयार हैं, ये देखें, और साथ में सलाद है। तो कैसी लगी है आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग, आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, और नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।